ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी एक। Hey guys, welcome back to another reaction video. So, आज मैं reaction करने जा रहा हूँ याशल साहित के एक पुराने सॉन्ग के ऊपर। उनके अभी तो काफी सारे सॉन्ग्स आ रखे हैं, हर एक ड्रामा के OST के अंदर हमारे को ज्यादातर देखने को मिल जाता है कि उनका सॉन्ग होता है। आज जिस सॉन्ग के ऊपर reaction करने जा रहा हूँ, शायद वो आपने पहले सुन रखा होगा, कवर सॉन्ग है। उससे पहले भी वो सॉन्ग शायद नेस्कैफे बेसमेंट में किसी ने गाया था, मेरे को इतना पता नहीं, मैं डिटेल देखी नहीं ज्यादा, एंड ये मेरे को किसी ने सजेस्ट किया है। तो सॉन्ग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लिरिकल सॉन्ग है, सो उर्दू के अंदर ही है ये वाला, मतलब लिखा जो है उर्दू सच। तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गई फिर सा क्यों आया, जगनू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं हो आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ए जहर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सब की दासी अपना तेरे हवाले, हुण रातानू यादां दी छावे बैके मैं तस्बी करा तेरा नाम लेके, थक गई आ सारे मैं दुखड़े सहके, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के, मेरी बंजर अखियां च सावन लवाया, ते मैं हंजुआ दी बारिश च प्यार बहाया, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गई आ फिर सा क्यों आया, वोकल्स भाई लिटरली किल करता यार भाई, लिटरली गूज़बम्स आते हैं भाई उनके आवाज सुन के, अलग लेवल पे जा रहे हैं ना उनका, मतलब स्केल ही ना बहुत ऊंचा है यार। मैं मतलब इतना गहराई से मैंने उनको पहली बार ही सुना है, मतलब लिरिक्स मेरे को थोड़े बहुत पता थे क्योंकि ये हमने हर एक जगह रील्स पे देख लो या फिर किसी पे भी देख लो, कहीं ना कहीं ये सॉन्ग वायरल हो रखा था, पूरा प्रॉपर सुना नहीं था लेकिन हाँ मैंने वैसे सुना हुआ है। तो जिसने भी मेरे को सजेस्ट किया कि पूरे सॉन्ग के ऊपर रिएक्शन करने के लिए, थैंक यू सो मच। जब हम किसी सॉन्ग को अच्छे से सुनते हैं ना, उसको मतलब प्रॉपर फील लेते हैं, उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है उस ट्रैक से, उस सिंगर से, और जो उनकी अलग वाइब हमारे को मिल रही है ना, मतलब यार ये सॉन्ग एक ऐसा था कि आपका दिल चीर देगा सीधा। इसके जो लिरिक्स है, मतलब यार दिल टूटा इंसान है, मतलब वो अपने पार्टनर का जो इंतजार भी करता है, मतलब उसका पार्टनर उसको छोड़ के चले जाते हैं और वो कभी वापस भी नहीं आता, एंड वो पार्टनर इतना ज्यादा परेशान रहता है, दुखी रहता है उसकी बस यादों में। सो इस सॉन्ग को काफी लोग अपने से रिलेट करते होंगे, एंड मुझे पता है कि यार याशल साहित की जो वोकल्स हैं, जो उनकी वॉइस है ना, उनका मेरे ख्याल से कोई मैच है नहीं यार। जो मतलब फीमेल आर्टिस्ट इतनी प्यारी आवाज उनकी है, इतने भी ऑलमोस्ट OST जितने भी आ रहे हैं, तो भाई हर एक बंदा उनको कहता है कि भाई हमारे ड्रामा के OST आप ही करोगे, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज अब उनकी जगह बन चुकी है इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड मैंने एक कमेंट पढ़ा था कोई, तो वहां पे एक बात मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, तो मेरे को इतना नहीं पता भाई कि कोक स्टूडियो में इनका कोई गाना आया है नहीं आया, बट लेकिन उस कमेंट में ये था कि इनका कोक स्टूडियो में भी गाना आना चाहिए, एंड उनका भी मैं थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने ये गाना, इतना प्यारा गाना मेरे को सजेस्ट किया ना। तभी मैं आपको कहता हूँ कि कमेंट करके बताते रहा करो कि मैं कौन कौन से गानों के ऊपर रिएक्शन करूँ, तो मैं उनके ऊपर रिएक्शन लेके आ ही जाता हूँ। एक वीडियो भी थी वैसे, मैं उसके ऊपर भी रिएक्शन कर सकता था, बट मेरे को भाई डर लगता रहता है कि मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक ना आ जाए, तो लिरिकल वीडियो इसलिए मैंने इस पर
कर दिया रेचो। तो आपको सॉन्ग कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। आई होप आपको सॉन्ग पसंद आया होगा एंड काफी लोगों ने पहले ही सुना होगा इस गाने को। और जिन्होंने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं करा मेरे इंस्टाग्राम पे यार फटाफट से जाकर मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। एंड ऑल द याशल साइड फैंस हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक द वीडियो। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, रब रखा।